नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी फिल्मी दुनिया का प्रवेश, नॉनस्टॉप निवेश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो बड़ी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और इसके तहत सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कराकर राज्य में बड़ा निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इस निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश के बाद देश के कई राज्यों में रोड शो और कई उद्योग समूहों के साथ कई दौर की बैठकें भी की है, जिसका नतीजा रहा कि अब तक 1,24,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। धामी सरकार ने दिसंबर महीने में होने वाले इस समिट में 2,50,000 करोड़ का निवेश राज्य में लाने का रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम धामी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बड़े निवेश को लाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिशें भी कर रहे हैं। सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े इसके लिए सब्सिडी भी देने का फैसला लिया है। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ बैठक भी की है। सीएम ने उनसे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधित निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड में 75% शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख तक की सब्सिडी व अन्य राज्यों की भाषाओं के फिल्मों को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। सरकार इसमें इजाफा करने पर भी विचार कर रही है। सीएम धामी की इन्हीं कोशिशों से सरकार से संगठन तक सीएम धामी के इन प्रयासों की सराहना हो रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सीएम धामी की कोशिशें रंग ला पाएंगी और क्या इन्वेस्टर समिट से राज्य में निवेश आएगा, आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर देखिए। दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान विभिन्न उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए। इस दौरान जिन बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए उसमें इमेजिका, आत्मवंतन, ACME, CTRN, डेटा सेंटर प्रमुख है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने को हर सेक्टर में काम कर रही है। उत्तराखंड का शांत माहौल निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करता है। वहीं राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्ष होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सीमित सरकारी नौकरी वाला राज्य है, इसलिए बड़ी संख्या इन्वेस्टर जब आएंगे तो उस राज्य के अंदर जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार दर दर भटक रहा दूर राज्यों में जाके अपनी नौकरियां ढूंढता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ढूंढता है, उन सबको इस राज्य के अंदर ये
जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो प्राप्त होंगे और इसका जो स्वागत होना चाहिए, मैं आज कह सकता हूँ युवा मोर्चा से लेकर समाज के युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक इसके प्रति सकारात्मक संदेश युवाओं के मध्य जा रहा है। बजट के लिए गाजे बाजे के साथ ये बताया जा रहा है कि 1,24,000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं और लंदन कभी दुबई कभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। ऐसे में इसी तरह के लगभग इसी अमाउंट के MOU साइन होने की बात हमने 2018 में भी सुनी थी लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और हमारे कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। जब भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई सवाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर उठा रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि 2018 में जो निवेशकों ने मेरे साथ MOU साइन किया था उत्तराखंड सरकार के साथ, उनके पास पुष्कर सिंह धामी को जाना चाहिए था, उनको दोबारा अप्रोच करना चाहिए था कि आखिर MOU साइन करने के बाद वो कदम उन्होंने पीछे क्यों लिए, उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो त्रिवेंद्र रावत जी ने कही वो ये कही कि MOU साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है, कोई इस गफलत में ना रहे। और वाकई अक्षरशः सही बात है उनकी कि उनके समय पर हमारा अनुभव कुछ इतना कड़वा है कि 1,40,000 करोड़ के MOU की बात की गई थी और निवेश शायद 10,000 करोड़ का भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो लागत हमारी इन्वेस्टर समिट में 2018 में लगी वो भी हमको वापस नहीं मिल पाई। तो ये कैसे समझा जाए कि इस वक्त जो लंदन दौरे में खूब अपने अमले जमले के साथ मुख्यमंत्री गए, दुबई एक भारी भरकम संख्या में अधिकारियों को और नेताओं को लेकर गए और तो शिक्षा मंत्री को भी लेकर गए और अब महाराष्ट्र में है, ऐसे में ये सारा जो पैसा है ये जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है जिसको लुटाया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बड़े निवेश को लाने की तैयारी में लगे हैं तो दूसरी ओर सीएम धामी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े हैं इसके लिए सब्सिडी देने का भी फैसला किया। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता निर्देशक और कलाकारों के साथ बैठक की है। सीएम ने उनसे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधित निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड में 75% शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख तक की सब्सिडी व अन्य राज्यों की भाषाओं की फिल्मों को 15 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। सरकार इसमें इजाफा करने पर भी विचार कर रही है। सीएम धामी की इन्हीं कोशिशों से सरकार से संगठन तक सीएम धामी के इन प्रयासों की सराहना कर रहा है जबकि विपक्ष मुख्यमंत्री की इस कोशिशों को आई वॉश बता रहा है। देखिए, प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारा दिसंबर में होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश विदेश में हर प्रकार से सभी वर्गों को साथ जोड़कर जो बैठकें की हैं, जो रोड शो किए हैं, जो एक मैसेज उत्तराखंड का पूरे प्रदेश में से गया है वो यही है कि यहाँ पे निवेशक आएँ और यहाँ पे निवेश करें क्योंकि हमारे पास अपार संभावनाएँ हैं। तो उन संभावनाओं का जो है उपयोग करके यहाँ पे अपने फैक्ट्रियाँ लगाएँ, इंडस्ट्रीज लगाएं और पर्यटन की दिशा में हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन हब के रूप में जो है पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। योगा स्थली ऑलरेडी जो आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हमारे माना जाता है उस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रत्येक हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमारी सरकार सजग है यहाँ पर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का भी एक क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं और आपने देखा कि यहाँ पे हर प्रकार की जो प्रतिभा है वो विद्यमान है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। तो मुंबई में तमाम हस्तियों से उनका रहना हुआ और सभी लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार गजब का इन्वेस्ट जो है वो होने वाला है। देखिए, मैंने कहा नहीं कि सरकार का काम था कि वो उनको माहौल देते। फिल्म इंडस्ट्री कब आएगी? जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अरे, आप शूटिंग में अगर वो जाना चाहेंगे तो ना तो उनके पास हेलीपैड बेहतर है, ना ही आपने कोई अच्छे होटल्स बनाए। कहाँ वो अट्रैक्ट होंगे, कहाँ वो आएंगे? और इस समय इतना बढ़िया मौका था कि आपका नॉर्थ ईस्ट भी आसान था, आपका कश्मीर आसान था, सबसे बेहतर माहौल उनको उत्तराखंड मिलता अगर ये माहौल देते। लेकिन आपने उनके रहने के लिए अच्छे होटल्स नहीं दे रखे, आपने अच्छी सड़कें नहीं दे रखी, आपने अच्छा वातावरण नहीं दे रखा। तो जब तक अच्छा वातावरण नहीं देंगे तब तक वो यहाँ आकर्षित कैसे होंगे? ना उनके पास इतना समय है कि वो 12 घंटे के सफ़र करेंगे तब वो शूटिंग करेंगे।
तो जब तक सरकार गंभीर नहीं है, वो बम्बई घूमे या पेरिस घूमे, वातावरण दें, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को माहौल मिलेगा, वो यहाँ आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां राज्य में इन्वेस्टर समिट के लिए जरिए भारी निवेश को लाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की कोशिशें सकारात्मक रंग ला पाएंगी, क्या सब्सिडी के सहारे राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा मिल पाएगा। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं। शेषपाल सिंह बिस्ट जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यूकेडी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हुए। सुभाष झा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। रविंद्र जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र जी, विदेश के बाद कई राज्यों में अब रोड शो हो रहा है, मुख्यमंत्री की जो पहल है शानदार है, मैं कहूंगी जो मंशा है वो शानदार है, लेकिन लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? विपक्षी कह रहे हैं कि भाई आप तो प्रदेश में ही स्थितियां ठीक नहीं कर पा रहे, विदेशी आएंगे तो कैसे रहेंगे। अभी मैं बाइट सुन रही थी, उसमें कहा जा रहा है कि भाई रहने के लिए ठीक जगह नहीं है, कैसे उनका निवेश जो है वो यहां पर होगा, कैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हो पाएगी, क्योंकि उनके रहने के लिए तो भाई ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है गरिमा जी, जिस प्रकार से जनता हमारे विकास को, जनता हमारे किए हुए कार्य को महसूस कर रही है, लेकिन विपक्ष का क्या है? देखिए एक लंबे समय से विपक्ष का इतिहास रहा है, कोई ऐसा काम दिखा दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने सवालिया निशान ना खड़ा किया हो। और मैं हकीकत बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जी ने भी एक बार कहा था कि ये हमारे लिए नजर बट्टू का काम करते हैं, जिस चीज पे ये सवाल उठाते हैं उसे समझ लीजिए वो सक्सेस होना तय है। हाँ। इन्होंने कोविड की वैक्सीन को लेके कहा, मजाक उड़ाया इसको, कोविड वैक्सीन को मोविड वैक्सीन मोविड बताया, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, इस देश में होने वाले तमाम पे कुछ बोलिए जनाब, भारत जैसी ट्रेन के ऊपर थोड़ा की बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो पता, आपकी बारी है, उल्टा सीधा सुनेंगे हम। अरे भैया उल्टा सीधा है, मैं सुनूंगा, तुम्हें गाली दे दी क्या? ठीक है हो गया आपस में, नहीं शीशपाल जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, ठीक है विषय पर ही चर्चा होगी। सर वो शुरू कर रहे हैं, जब आप फिर कहीं पर विषय पर भागते हैं तब तो कम से कम ये तो मत बोलिए सर, ऐसा नहीं है पहली बार आप डिबेट में बैठे हैं, सुनते हुए शुरू कर रहे हैं, वो भूमिका बना रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही मुद्दे पर बने रहते हैं या पहली बार डिबेट में बैठे। रविंद्र जी जल्दी से आइए मुद्दे पर, भाई देखिए नहीं नहीं देखिए मुद्दे पे ऐसे हाँ। नहीं होगा जी, आप मुझे कहेंगे मैं आपके मुद्दे पे चलूंगा क्या? आप मुझे नहीं कह सकते नहीं, अरे ये मतलब अरे हम ही आपको बताएंगे ना आपको किस मुद्दे पर बोलना है, ठीक है आप मेरे से नहीं कह सकते ना, आप नहीं कर सकते तो फिर मैं भी चला जाता हूँ, नहीं नहीं सर बोलिए सर, आपको नहीं सुनना तो अरे आप एक बार बताइए ना, सवाल तो जनता के, जनता थोड़ी ना कर रही है, ये जिनके पीछे चार लोग नहीं है वो खड़ा कर रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस के राज में या कांग्रेस के समय में जहां काम होते हैं, आज छत्तीसगढ़ का कितना बड़ा खुलासा है। अब सर मैं फिर कह रही हूँ छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है अभी सर, उत्तराखंड पर बात करिए, गलत बात है, आप बोलिए, सुननी पड़ेगी, देखिए आप नहीं तय कर सकती गरिमा जी, आप मैं क्या बोलूंगा सर, अच्छा मतलब डिबेट का मुद्दा आप तय करेंगे कि हम आज किस पर डिबेट करेंगे, ये कैसी बात है रविंद्र जी आप करें, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे इस तरीके की बातों की। अब शेषपाल जी भी नहीं है लेकिन ये क्या बात हुई, टॉपिक हम डिसाइड करेंगे ना, आप उस पर बोलिए सर, आप कुछ भी बोलिए उससे जुड़ा जी, मैं कोई गाली नहीं दे रहा या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपके विपक्षी हैं, मौका पड़ता है तो आप भी ये बात कहते हैं, अब चर्चा की शुरुआत में इस बात पर विचार बातचीत तो नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए, मुद्दा है उत्तराखंड में निवेश को लेकर, उसको लेकर बोलिए आपको जो बोलना है। देखिए विकास की बातों को लेकर इनके कानों में जहर की तरह घुलता है। हाँ। आपको मैं बता दूं, आप और एक चीज और बता दूं, ये बार बार कहते हैं ना कि मोदी जी जाते हैं केदारनाथ तो तस्वीरें खिंचवाते, ये पता है क्यों नहीं खिंचवाते तस्वीरें, ये किसी भी जगह पे जाते हो तस्वीरें नहीं खिंचवाते कि अगर तस्वीर खिंच गई तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा विकास किस प्रकार का है, जो इनके लोग हैं जिनको ये झूठ बताते हैं उनको भी पता लग जाएगा, इसलिए अपनी फोटो में नहीं डालते हैं, इसलिए अपनी तस्वीरें नहीं डालते हैं। तो आज
जिस प्रकार से देश की जनता समझ रही है कि विकास कार्यों को लेकर किस प्रकार पर, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आज माननीय धामी जी 24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट को लेके MOU साइन करके आए हैं, ठीक है, कदम बढ़ाया आगे की ओर। आज इस प्रदेश का ऐसा माहौल बनाया है कि यहाँ पे इन्वेस्टर आने को खुश है, यहाँ पे दलाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आप मैंने पहले, हाँ ठीक है, तो जो जो शराब की इंडस्ट्री लगाते हो टेनिस जैसी, या वो नहीं आ रहे हैं जो सट्टे के ऐप बना के इनको करोड़ों रुपया दे जाए, यहाँ जेन्युइन लोग आ रहे हैं और इस प्रदेश की ईमानदार जनता के कारण आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का युवा ईमानदार है, उसके पूरी देश में उसकी डिमांड है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का लड़का या लड़की अन्य राज्यों में डिमांड होने के कारण जाता है। आज उस डिमांड को हम अपने प्रदेश में लाके उन इंडस्ट्रियों के सारे पूरी करवाएंगे, क्योंकि वह भी जानते हैं कि हमारा प्रदेश का युवा और युवती ईमानदार है, सच्चे हैं, मेहनत के साथ काम करना जानते हैं, और यही इनको ये बात बिल्कुल ठीक है। बात मैंने क्या कहा सर, आप ठीक सर, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं आपके, मैं खुद भी आपकी सारी बातों से सहमत हो जाती हूँ, लेकिन सवाल ये है ना सर कि आपकी मंशा तो ठीक है लेकिन वो चीजें धरातल पर जैसे नहीं उतरेंगे। मैं एक बड़े से प्लान की बात करूं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अगर वो धरातल पर नहीं उतरेंगे तो सवाल खड़े होंगे, और खासतौर पर तब जब ऐसे वादे ऐसे दावे मैंने पहले भी किए हों। अभी गरिमा मेहरा दसौनी की मैंने बाइट सुनी, वो भी यही कह रही थी ना कि इसके पहले भी देखिए ऐसी चीजें हुई लेकिन धरातल पर नजर नहीं आई, और इसी के चलते हमको अब ये डर है कि भाई जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो ऐसे दौरों पर खर्च ना की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो कहा है कि हम ये करके दिखाएंगे वो गलत है, वो पूरे तरीके से ठीक है, लेकिन अगर वो पूरा होता है तब। गरिमा जी बिल्कुल सही बात है आपने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, और आपको अगर हमारे किए हुए वादे पूरे नहीं होते तो आप उस पर सवाल उठाइए, डंके की चोट के साथ आवाज उठाइए, लेकिन क्या आपकी मजबूरी है? ऐसा कौन सा MOU साइन है कि आप चलते हुए कार्य के बीच में जो है अड़ंगी में डालने का काम करते हैं, जैसे जिस प्रकार से चलते हुए साइकिल में कोई डंडा फंसा देता है ना, उस तरीके से आप वो काम करते हैं। तमाम उदाहरण है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रदेश की, इस देश की छवि खराब करने के लिए क्या क्या काम किए, क्या क्या बयान दिए, सारे पब्लिक डोमेन में। आज जनता भी ग्लोबलाइज हो चुकी है, हाथ में मोबाइल है उसके, मेरी कही हुई बात को, झूठ को एक मिनट में वो फैक्ट को चेक कर सकता है कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो ये कारण है, जनता सब समझ रही है, जनता को सारी चीजों का पता है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे विपक्ष से, आप करा तो आपने पास अपने अपने राज्यों में एक भी उदाहरण नहीं है, लेकिन कृपया करके इस प्रदेश की छवि को खराब करने का काम ना करें, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। ठीक है, देखिए आपने सवालों का जवाब तो दे ही दिया, आपने विपक्षियों पर आरोप भी लगा दिया। रविंद्र जी आज एकदम तैयारी के साथ आया ऐसा लग रहा है। खैर, आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी हमारे साथ में है। विपिन जी, भाई विपक्षियों पर आरोप भी लग गया है कि भाई आप छवि खराब कर रहे हैं, बताइए आप क्या कर रहे हैं आप? गरिमा जी, आज रविंदर भाई ने भाई पूरा मजाक के मूड में और पूरा जो है डिबेट को हास्यास्पद बना दिया है। इन्होंने इतने ज्यादा ऐसी ऐसी बातें करी कि मेरा तो हंस के साथ पेट में दर्द होने वाला था। मतलब विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, अगर कोई MOU साइन हो रहा है तो विपक्ष ने पेन पकड़ लिया कि किसी उद्योगपति का, कि भाई साइन नहीं करना है, साइन करेंगे तो प्रदेश का कहीं विकास ना हो जाए। और हम लोग फोटो इसलिए नहीं खिंचवाते हैं कि मोदी जी का विकास भी पीछे नजर आएगा, इसलिए हम तस्वीरें नहीं खिंचाते हैं। मतलब एक सीमा होती है, इतना क्यों झूठ बोलते हैं कि प्रदेश की छवि हम खराब कर रहे हैं? अरे नौकरी हमें दलाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाई है, विपक्ष के लोगों ने थोड़ी खाई है। अभी महेंद्र भट्ट जी का मैं बयान सुन रहा था, देखिए कहते हैं कि सच जुबान पे आ जाता है। उन्होंने अभी अपनी लाइन में कहा कि प्रदेश का युवा दर दर भटक रहा है, बाहर के राज्यों में नौकरी करने को मजबूर है। इसका मतलब आप लोगों ने इस प्रदेश को उस गर्त में पहुंचा दिया है कि प्रदेश का युवा दर दर भटक रहा है, और ये आप बात मान चुके हैं। अरे भाई MOU साइन हो रहे हैं, इतना डंका बजा रहे हैं आप लोग, पहले उसको धरातल पे तो आने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि धरातल पे लाना तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। जितने MOU साइन कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्री लाने की ये बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, वो उद्धम सिंह नगर, हरिद्वार या काशीपुर में लगेंगी या वो पहाड़ों का रुख करेंगी? अगर पहाड़ों का रुख करेंगी तो पहाड़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, क्या सुविधाएं आप लोगों ने दे रखी हैं? हॉस्पिटल आपके पास है नहीं, सड़कें आपकी ठीक है नहीं,
एक अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल की में तो जगह नहीं मिलती, अगर हॉस्पिटल मिलता भी है तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो क्या सुविधाएं आप जनता को तो सुविधाएं दे नहीं पाए, बिजली की, पानी की, सड़क की, रोजगार की, आप उद्योगपतियों को सुविधा देने को उतारू हैं और कैसे देंगे। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कह दिया कि आपको पहले उनके पास जाना चाहिए था जिन्होंने 1.5 लाख करोड़ के मोसाइन करे थे, तो वो लोग क्यों नहीं आए, ये इसका जवाब त्रिवेंद्र रावत जी के पास भी नहीं है। देखिए जनता की गाड़ी कमाई को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, आप विदेशी यात्रा कर रहे हैं, आप देश में यात्राएं कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं MOU साइन हो गए हैं जी, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जब आएगा तो हम तो खुद कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे, हम कह रहे हैं स्वागत करेंगे और बहुत अच्छी बात है, निवेश आए, निवेशक आए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, बहुत अच्छी बात है, युवा दर दर ना भटके जिनको आपने भटकाने का काम किया है। आज प्रदेश का युवा, प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर है, उनको लाठियां मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आपके मंत्री विधानसभाओं में नौकरियां लगवा रहे हैं, बैकडोर भर्ती करवा रहे हैं, युवाओं से धोखा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इतना विकास कर दिया है कि विकास की बयार बह रही है, हम कहीं तस्वीर भी खिंचवा लेंगे तो शायद वो जनता को पता लग जाएगी। देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता को सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है और किसका विकास किया है। ठीक है, ठीक है, अब थप क्लास आपके पास जाएंगे, उसके बाद आएंगे सुभाष जी के पास अंतम में, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेहतर बताएंगे। थपलाल साहब, धामी सरकार जो है किस नियत के साथ काम कर रही है, इस पर इतने सवाल क्यों? और बड़ी बात यह कि देखिए जो चीज हो रही है, जो चीजें सिर्फ बताई जा रही हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो भाई उत्तराखंड में निवेश आएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, कई सारी चीजों के जो मौके हैं वो मिलेंगे, उत्तराखंड का नाम होगा, सोचिए फिल्मों की शूटिंग अगर शुरू हो जाएगी, उत्तराखंड बेहद खूबसूरत जगह है ये हम सब जानते हैं, कई सारी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहां पर ये सब हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। और अगर मंशा के अनुरूप कार्य होता है तो दिक्कत क्या है, विपक्षी पहले से सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्या कोई इतिहास रहा है? इस चैनल में ये डिबेट काफी बार हो चुकी है और हर बार हमने सवाल खड़े किए इस बारे में कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो अनुभवहीन है और वो उछल कूद बहुत मचा रहा है, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं, न मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री वो उद्योग नहीं ला रहा जो अनुभवी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी लाए, बिल्कुल उनसे अलग उद्योग ये ला रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर वाले, और जिसमें कि पूरा थाईलैंड टाइप होटल होंगे, रिजॉर्ट होंगे, और फिल्म इंडस्ट्री की जहां तक बात है, क्योंकि हमने इस राज्य को लड़ाई लड़ी और हमें दुख है कि 22-23 साल से ये राज्य क्यों की क्यों जगह पे खड़ा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोग मजबूर हैं, इनके देखो इनके 12 साल वहां हो रहा है, तीन इनके, एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, तीन इंजन की सरकार, और 8 दिन तक परिसंपत्तियों पे बंदर की तरह उछल करते हैं, लेकिन परिसंपत्तियों में कुछ नहीं, आज भी टीरी डैम की बिजली वो खा रहा है। जब शुरू में हम यहाँ पे राज्य बना था तो हम सबसे बड़े व्यापारी को बंगाल से लाए थे, मछली व्यापारी को, और उसने कहा था हमें कि थपलियाल साहब अगर ये जो टीजी डैम में मछली का उत्पादन किया जाएगा तो आधा भारत को फ्रेश वाटर जो आज दिन तक 23 साल में नहीं मिला। अब आती है बात कि हमारे मुख्यमंत्री जो अभी अभी आए हैं, नया युवा है, बहुत उछल कूद मचाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड और चले गए हो दिल्ली, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप, और परसों न्यूज में आया कि साहब वो आयोग कह रहा कि अभी रिपोर्ट बनी नहीं। मैं हैरान रहा है किस तरह से जनता के साथ मजाक हो रहा है, कभी बोलता डेमोग्राफी खराब हो रही है, अरे तुमने डेमोग्राफी के लिए क्या किया, मजार उजाड़ी शुरू कर दी, अरे मजार तो हिंदू उन लोगों का क्रिएटेड फैक्टर है, मुसलमान तो मजार का विरोध करता है, इन तमाशों को देखकर एक सबसे नया तमाशा जो फिल्म इंडस्ट्री का हो रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो उत्तराखंड के नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने बोला कि क्या मिलना है इनको जिनको बिजली नहीं है, उस तिग्मांशु धूलिया और जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उनको मैं यहां पे लाया था, मैंने उनको FRI विजिट कराई, मैंने बोला पहली बार FRI में शूटिंग करवाने वाला व्यक्ति यहां पे बैठा, लेकिन वो लोग जब शुरू में आए तो उन्होंने बोला थपलियाल साहब
आपके पास वो भूगोल नहीं है जो भूगोल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बंबई और उसके बाद जो उससे लगे हुए वो हैं, जो लोनावाला जो पहाड़ी हिल है वहां पे बहुत शानदार, वहां यहां नहीं है। घोड़े पान सिंह तोमर की यहां शूटिंग हो रही थी और घोड़े दौड़ाने के लिए हमें जगह नहीं मिली, घोड़ा दौड़ाने थे नदी में, हम मैं उनको मोहन वाली नदी में गया। लेकिन थपलेल साहब ये तो कह रहे हैं ना कि हम भाई ऐसे डेस्टिनेशंस डेवलप करेंगे, अगर कुछ कमी है तो उसको बेहतर किया जाएगा। मैडम डेवलप ये क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास डेस्टिनेशन है जिनका नाम ले रहा था वो वहाँ। अच्छा, वो डेस्टिनेशन अवेलेबल है पूरब की घाटी आज से नहीं, ये जो बंबई के जो नामी प्रोड्यूसर हैं, नामी डायरेक्टर हैं, वो सब जानते हैं कि उत्तराखंड में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक नामी व्यक्ति बद्रीनाथ मंदिर समिति का नौटियाल साहब जो है वो अध्यक्ष बने थे, वो बंबई में जो अंबानी ग्रुप है वो अंबानी के बेटे उनकी पांव छूते हैं मैंने देखा, जो हमारे नौटियाल साहब बद्रीनाथ समिति के, वो लोग पूरे इंडस्ट्री को जानते थे, हमने बहुत काम किया है इसलिए हमें लगता है कि ये बच्चा बहुत उछल कूद मचा रहा है। अक्सर मैंने देखा आप डिबेट में, अभी इसको लेकर हम जवाब रविंद्र जी से लेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थपला साहब आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फिल्मी सितारों से या फिल्म के उद्योग के आ जाने से कितना निवेश बढ़ेगा, इसको लेकर खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, शेषपाल सिंह बिश जी के पास जाएंगे हम। शेषपाल सिंह बिश जी बीच में चर्चा से चले गए थे। शेषपाल जी आप तो मतलब मुद्दे पर आते आते खुद ही डिबेट से चले गए थे। खैर शेषपाल जी देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं लेकिन क्या इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो फायदेमंद है प्रदेश के लिए। ये झूठ और मसार आदमी अगर बोलेगा तो मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। रविंद्र जी, रविंद्र जी से जाकर के अगर बात होगी तो कौन आपकी डिबेट में बैठेगा, लेकिन जहां तक फिल्म नीति की बात है अगर उस पर बात होगी तो निश्चित तौर पर जो है हम अपना पक्ष रखेंगे कि फिल्म नीति की बात बंबई में जाकर के मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब हरीश रावत जी की सरकार इस राज्य में थी, हरीश रावत जी ने फिल्म नीति बनाने का काम किया और जो हेमंत पांडे जी इस राज्य के बेहतरीन कलाकार हैं, बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम है, उनको जो है फिल्म विकास परिषद जो बनाई गई थी उसका चेयरमैन बनाने का काम किया और उस दिशा में जो भी सुझाव बड़ी मेहनत से सभी वरिष्ठ जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ जो है मिल करके उनसे सलाह कर करके जो है एक नीति तैयार की और उस नीति का मसौदा ये था कि हमारी जो क्षेत्रीय बोली है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हमारी जो हमारा जो क्षेत्रीय कल्चर है निश्चित तौर पर उसको जो है प्रमोट करने के लिए हमें सबसे पहले इस नीति में प्राथमिकता रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं अगर उन्हीं को संरक्षण नहीं दे पाएंगे, अगर हमारी स्थानीय बोली भाषा पर बनने वाली जो फिल्में हैं अगर उन्हीं को हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सरकारी नीति का भी कोई लाभ नहीं है। देश विदेश से जो भी बड़े फिल्म निर्माता यहाँ आना चाहते हैं निश्चित तौर पर वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी, लेकिन उसके लिए जो इकोसिस्टम है, जो माहौल है, जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबसे पहले वो डेवलप होना चाहिए। और 7 सालों से आप सो कहाँ रहे थे, जब हरीश रावत जी ने अपने दौर में फिल्म नीति बना करके तैयार कर दी थी तो आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए था, तो आज आपको दोबारा से जो है इस पर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो सरकार जो कह रही है अगर उस पर गंभीरता से काम करती है और अगर उस पर टिकी रहती है, उसको अगर अमली जामा पहचानने में कामयाब होती है, उसको अगर धरातल पे उतरने में कामयाब होती है तो अच्छी बात है। और उसमें हमने यही कहा कि सबसे ज्यादा आप जो है रीजनल कलाकार को, रीजनल कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं, हमारी जो क्षेत्रीय फिल्में हैं उनको कितना संरक्षण देते हैं। अभी भी आप देख लीजिए जो नीति बनी है उसमें यह है कि आप जो है राष्ट्रीय स्तर की कोई फिल्म बना रहे हैं तो साहब वो अगर 75% यहाँ छूट होती है तो उसको जो है 1.5 करोड़ रुपए की छूट होगी और जो यहाँ पर स्थानीय बोली भाषा में स्थानीय कल्चर के लिए फिल्म बनाएगा उसको जो है 25 लाख रुपए की छूट होगी। तो ये तो असमानता है, ये भेदभाव है। आप फिर अपने जो है रीजनल कल्चर को या रीजनल कलाकार को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो इस पर भी जो है बारीकी से सरकार को सोचना होगा। और जो लोग इसकी समझ रखते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने जो है रीजनल कल्चर के लिए जो है काम किया है, जिन्होंने क्षेत्रीय बोली भाषा को और यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो उनसे सुझाव लेने चाहिए। लेकिन नहीं, वो एक अलग चीज हो गई ना, वो तो एक अलग बात हो गई कि आप अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन करिए, उनका भी बढ़ावा दीजिए, वो एक अलग बात है। बात ये कि अगर ये पूरा जो निवेश का
प्लान है जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर यहाँ पर आने का, इसमें तो कोई मुझे लगता कमी नहीं नजर आती है। खैर, आपके पास लौटेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है सुभाष झा जी, उनको जोड़ते हैं, आएंगे शेषपाल जी बाद में आएंगे, सुभाष जी के पास जाएंगे। सुभाष जी बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में। सुभाष जी, ये क्या चल रहा है और अगर आ जाती है तो दिक्कत क्या है, विपक्ष को इतनी समस्या क्या है, क्योंकि अभी फिलहाल जब पहला कदम है, अगर मुख्यमंत्री गए हैं और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, आप तो अवगत होंगे, अगर आता है तो ये सारा का सारा फायदा उत्तराखंड के लिए ही होगा, लोकल जो एक्टर्स हैं इनको भी काम मिलेगा, क्योंकि सोचिए होता है ना कि जहां पर क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिलता है जहां पर शूटिंग हो रही होती है, एक तो इस तरीके से लोगों को मौका मिलेगा, दूसरा आपके पास कई तरह के रोजगार होंगे। सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए। पक्ष जो सब हाँ बोलिए सर, आ गई आवाज, आ गई सर, कंटिन्यू करिए। सबसे पहले आ गई आवाज, हाँ जी सर बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि यहां जो तैयारियां हो रही है, मुख्यमंत्री जी को तैयारियां करने का हक है, और उस प्रदेश के विकास के लिए अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा हर बार करती क्या है कि एक नया चेहरा पेश करती है और फिर उसके बाद भाजपा कहेगी कि उनको जो है अड़ंगा डाले जा रहे हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का तजुर्बा 2018 का बहुत कटु है और यह गरीब प्रदेश, कर्ज में दबा हुआ प्रदेश है, उस पर उसकी पैसे अगर खर्च होंगे, अगर उसमें असावधानी होगी तो सरकार पे सवाल उठना लाजमी है और वो काम विपक्ष अपना काम कर रही है। अब रविंदर भाई एक फोटो पे सवाल किए थे, विपिन खन्ना जी उस पे बोल रहे थे, लेकिन विपिन खन्ना जी शायद एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो विपक्ष अपना फोटो खिंचवाए नहीं खिंचवाए, ये तो इस पर तो भाजपा का कमेंट आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद केदारनाथ में राहुल जी और वरुण गांधी का फोटो इसलिए नहीं खिंचवाए होंगे कि पता ना चल जाए कि ये सोना के जगह पर पीतल लगा था कि पीतल के जगह पर सोना लगा था, उसकी चमक ना आ जाए सामने, उससे देश की बदनामी होगी। तो प्रदेश की बदनामी ना हो, देश की बदनामी ना हो, इस वजह से वहां का फोटो उन्होंने नहीं खिंचवाया होगा, क्योंकि वो विकास जो था वो विकास दिख जाता कि सोना कैसे पीतल में बदल जाता है और पीतल कैसे सोना में बदल जाता है मंदिर में, तो वो ना दिखे इसलिए उन लोगों ने फोटो नहीं खिंचवाया, एक बात। अब रह गई बात कि ये जो तमाम तैयारियां हो रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी 10-15 दिन खामोशी से अभी देखना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे ये बात वाजिब है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर नहीं होगा तो जाहिर है कि ये फिर वही 2018 वाला रिल दोहराया जाएगा। अभी जगह जगह प्रचार तंत्र खूब हो रहा है, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह बैनर लगे हुए हैं, हर जगह रंग रोगन हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे जिसके खर्च हो रहे हैं, विपक्ष का काम है कि उत्तराखंड के पैसों की रखवाली करना, तो ये रखवाली अपनी कर रहे हैं, और पक्ष का काम है कि उसे सही जगह खर्चा करना। तो पक्ष अपना काम सही जगह कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही बात इन विपक्षी लोगों का था और ये इनका हक है, ये बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा अभी तो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ही कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो उनकी चिंता है वो चिंता भी जायज है, और सरकार को चाहिए था कि एक सर्वदलीय बैठक करती और एक सर्वदलीय बैठक करके सारे लोगों को भी इसमें शामिल करती, तो वो सरकार के लिए ज्यादा अच्छा होता और प्रदेश के हक में भी ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल ठीक है, थपलिया साहब के पास एक बार फिर से जाते हैं। थपलिया साहब, प्रदेश के हक में क्या ठीक है करके, हाँ, सबको विश्वास में लेकर के ये काम करने की जरूरत थी। लेकिन सुभाष अभी तो चीजें सिर्फ साइन होने तक है, अभी एमओयू साइन होने तक बात है, तो ऐसे में मतलब कैसे विश्वास हो सकता है सभी दलों का? देखिए, इस साइन होने पर, चूंकि आप समझिए कि एक यह एक छोटा सा प्रदेश है और छोटा सा प्रदेश का मुखिया लंदन जाता है, छोटा सा प्रदेश का मुखिया दुबई जाता है, छोटा सा प्रदेश का मुखिया जगह जगह जाता है, और खास करके वो प्रदेश जो कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, तो उसमें अगर उससे पहले का होमवर्क नहीं हुआ होगा, जो होमवर्क त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय नहीं हुआ था, और विपक्ष ने ऐसे ही सवाल उठाया था और ऐसे ही जवाब आए थे, और ये जो कह रहे हैं कि ये धामी जी कर रहे हैं, बात धामी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की नहीं है, बात भाजपा की है। उस समय भी सरकार भाजपा की ही थी, आज भी सरकार भाजपा की ही है।
अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों की चिंता यह है कि यहां प्रदेश में जो पैसे ये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, पता चला कि 1000-2000 करोड़ रुपया सिर्फ किराए में फूक गए, सिर्फ हवाई जहाज के भ्रमण में फूक गए और यहां आया कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री को चाहिए था कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते कि नहीं, हमारी ये रणनीति, हमने ऐसे ऐसे काम किया, इस पे ये काम होना चाहिए, इसमें गलत क्या था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तस्वीर साफ नजर आ रही है, हो सकता है विपक्षों को इससे समस्या हो। खैर, आपके पास लौटेंगे, यूकेडे के पास में जाएंगे, थपलियाल साहब हैं। थपलियाल साहब, देखिए अभी यहाँ पर कहा गया कि भाई स्थिति साफ होनी चाहिए थी, सभी दलों को उसमें लेना चाहिए था। आप भी एक बात को हर एक डिबेट में लगभग कहते हैं या कई बार आपने इस बात को दोहराया कि भाई ये नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, क्या मैं मतलब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस बात से अंदाजा जा सकता है कि किसी की उम्र कम है, क्या अनुभव ठीक नहीं होता, क्या जानकारी काफ़ी नहीं होती है? और पुष्कर सिंह धामी, देखिए अगर इतने ही नए नवेले होते, अगर इतना ही काम पसंद ना आ रहा होता तो बीजेपी दोबारा क्यों मौका देती? ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी के पास कोई और नहीं था? ये कह देना किसी की प्रतिभा को दबाना क्या ठीक है? देखो, हमने वर्किंग देखी है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ। इन्होंने जब महाराष्ट्र में भी जब योग्य नेतृत्व माननीय गडकरी इनके पास थे, इन्होंने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसी तरह से उत्तराखंड में भी बहुत योग्य लोग हैं जिनको इन्होंने चांस न देकर एक नए लड़के को लाया, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो कहना मानता है, इसलिए उसको। नहीं तो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति होगा तो सीधा सीधा शिवराज की तरह परेशानी का सबब बन जाएगा, या योगी बाबा की तरह परेशानी का सबब बन जाएगा। हाय जो नेतृत्व, क्योंकि भाजपा नहीं है इस समय, इस समय मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बेचारे सब, कोई मंत्री बोल नहीं पाता। लेकिन मैं वहां पे चिंता करता हूं जहां पे हमारा मुख्यमंत्री, अगर मैं मुख्यमंत्री को अनुभवहीन बोल रहा हूं तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके बोला कि आदि बद्री में जो आदि कैलाश है वहां जाके शूटिंग, मतलब प्रधानमंत्री ने नई जगह ढूंढी है वहां जाए। बेचारे कुछ लोग गए और मर गए, छह मर गए, क्योंकि वहां जाने का रास्ता है ही नहीं। वो तो प्रधानमंत्री कहीं भी चोटी में बैठ जाए, भगवान वो गुफा में घुस जाते हैं, लेकिन अगर लोग उनकी नकल करेंगे, हमारा देश आस्थाओं का देश है, और इस आस्थाओं के देश में देव तुल्य लोगों के साथ मजाक करना भद्दी मजाक है मैडम। अगर जो इंडस्ट्री होती है, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो फूलों की घाटी में कभी नहीं जा सकती। इतना बड़ा जाम दाम, जो गाड़ियां होती हैं आपने कभी देखा होगा कि इतना बड़ा जाम दाम होता है उनके पास कि हाँ। वो नॉर्मली इस भूगोल में प्रवेश नहीं कर सकती। ऊपर से जो कुछ हमारे पास था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लाए थे उत्तराखंड में, जिसमें सबसे मुख्य था रायपुर जो स्टेडियम है, इसमें हम आइस स्केटिंग रिंग लाए थे, हम लाए थे साउथ एशिया में नंबर वन, नो वर्ल्ड वाज देयर, इन्होंने उसको मेंटेन नहीं कर पाए। ऐसी सरकार जो ओली के स्लोपों को मेंटेन नहीं कर पाई मैडम, इन सरकार से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसीलिए ऑलरेडी जो वो ओली बॉलीवुड है वो आ चुका है यहां से, इनको पता नहीं है। लेकिन अनुभवहीनता, वो सोच रहे हैं कि देश के जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो उनको गुमराह करने के लिए वहां जी देखो और खड़ा कौन है वो आप वो देखो जो उनके साथ खड़े हैं फोटो में सबसे ज्यादा आदमी उसी को रखता है जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। अब वो आप ये देखिए कि जो लोग फिल्म टीवी में जिनके लिए जगह नहीं है, आप जो अभी शिवपुरी जी हैं, जो दूसरी महिला है, तो थपलियाल साहब और जितेंद्र जी हैं, ये सब अपनी पारी खेल चुके हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर गए? उनको लेकर जब मुख्यमंत्री फोटो खिंचा रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि उनको क्या मिला होगा। कोई भी जाना माना चेहरा फिल्म इंडस्ट्री का उनके, अच्छा यानी अभी आपको ये भी लगता है कि भाई किसी जाने माने चेहरे के पास चाहिए वो देगा? लेकिन थपलियाल साहब, पता नहीं आप यहाँ पर क्या सोचकर अपनी बात कह रहे हैं, मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ अपनी बात को किन शब्दों में कहूँ। लेकिन देखिए, वो एक अलग चीज हो गई ना कि इंडस्ट्री में कौन आपको निवेश देगा, जरूरी नहीं है कि पर्दे पर दिखने वाला हीरो ही असल हीरो होता है फिल्म का। ये तो आप जानते ही होंगे ना कि पर्दे पर जो हीरो दिख रहा होता है वो फिल्म के पीछे का हीरो नहीं होता, उसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग अलग होते हैं। तो वो एक अलग चीज है, आप निवेश लेने गए थे, आप हीरो लेने नहीं गए थे जो आप एक बड़े चेहरे को खड़ा करते। खैर, रविंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। रवि, मैं हीरो नहीं बोला, हाँ। जो पिटे हुए चेहरे खड़े हुए थे उनके बगल में, पिटे हुए चेहरे कहना किसी को ये गलत चीज है, मुझे उस चीज से थोड़ा बहुत। पिटे हुए चेहरे मैडम वो अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, जितेंद्र क्या फिल्म इंडस्ट्री में है? हाँ, ठीक है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में है। ठीक है,
ठीक है ठीक है, आपके पास लौटेंगे, ठीक है तबला सब आएंगे, रविंद्र जी के पास जाएंगे। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक बात कहनी है कि देखिए बीजेपी के प्रवक्ता आमतौर पर वैसे ही डिबेट्स में बैठते नहीं है, मैं आपको बिल्कुल खुलकर ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता ना कि उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो बीच में डिबेट को छोड़कर जाना ठीक नहीं होता है, ये गलत चीज होती है। आप अपना पक्ष रखिए, जो भी कहना है कहिए, और मैंने आपको किसी भी चीज को लेकर रोका नहीं था। हाँ, और सवाल यह है कि देखिए सब ये कह रहे हैं कि भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लियर कर सकते थे स्थिति कि क्या है सच, अगर बता देते तो क्या हुआ, मंशा तो इतनी अच्छी है, प्लान इतना अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से होगा इसको लेकर विपक्षी अगर चिंता में, तो भाई ठीक है आपके प्रदेश के हैं, इनकी चिंता दूर करिए ना। देखिए गरिमा जी, पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, जब इस नेता ने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मैं उसके साथ बैठ के क्या करूंगा सर। तो डिबेट्स में सबकी तरफ से इस तरीके का होता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहिए, बगैर सुने इस डिबेट को छोड़ दिया, तो जब मैंने उन्होंने बात ही नहीं सुनी तो मैं उनके जवाबों को सुनकर करता क्या। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, यूपीडी के वक्ता जी को मैंने बड़े आराम से सुना। देखिये मेरे क्षेत्रीय पार्टी है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मेरे प्रदेश की एक क्षेत्रीय दल जिसको एक सम्मानित जगह होनी चाहिए थी, वो ऐसे ऐसे प्रवक्ता बैठ के डुबो रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं बच्चा है मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से बुड्ढों से मिले जिनकी कोई पूछ ही नहीं है। अब पहले तो आप ही तय कर लीजिए कि भाई किस बच्चे को कहां मानेंगे और किसे बुड्ढे को मानेंगे, आपको कुछ नहीं पता। पीसी दबलियाल जी, आप रिटायर से भी रिटायर हो गए हैं। रविंद्र जी किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप थपलियाल साहब को लेकर बात थोड़ी कर रहे हैं सर, वो एक वरिष्ठ नेता है यूकेडी से, और आप आज भी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे साथ चर्चा में रहते हैं, आपने कभी ऐसा नहीं किया, ये गलत चीज है। नहीं सर, नहीं, गलत बात है, उन्होंने जो चीज की मैंने उसको लेकर टोका ना, मैंने कहा ना कि कोई भी चेहरा पिटा हुआ नहीं है, वो वरिष्ठ है, वो अपने इंडस्ट्री के सीनियर्स है, मैंने कहा ना, तो लेकिन आप ये कहेंगे किसी को, ये गलत बात है। रविंद्र जी, मैंने क्या गलत बात कही है, आप मुझे बताइए ना कि ये तय करेंगे कि किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी मत कहिए ना, कोई क्या है, अरे तुम बोलो तो भगवान है हो सर। थपलियाल साहब आप शांत हो जाइए। रविंद्र जी प्लीज, आज चर्चा आप मुद्दे पर है, आज आपको क्या हो गया है, आप मुझे पता है आप वामपंथी टाइप के जो लोग हैं उनको कितनी चिढ़ा। अरे दक्षिणपंथी, वामपंथियों से। थपलियाल साहब आप, मैं रोक रही हूँ उनको, थपलियाल साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे। रविंद्र जी प्लीज, आप मुद्दे पर आइए, थपलियाल साहब से आगे बढ़िए, चर्चा मुद्दे पर हो रही है। देखिए आप अगर कहें कि मैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर में दोनों में फर्क है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टर को, रोजगार को, यहाँ के सम्मान को, प्रदेश के लोगों के आत्मसम्मान को लेके चिंता करती है, उस पर काम करती है। देखिए ना तो हमने इनके जब शासन काल था, मैं इनके शासन काल की बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, डेनिश की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देनी शुरू कर दी पहाड़ों में कि हम अपनी शराब बनाएंगे, यहाँ पे शराब को विकसित करेंगे। इन्होंने कहा मैं आंख बंद कर लूंगा, जिसे जैसा करना है कर लो। इन्होंने कहा हम यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उससे हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो देखिए इनके में और हमारे में, इन्होंने पीर फकीर ऐसी मजारे बनवाई जहां पे। अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बढ़वाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कह दिया तो क्या गलत कह दिया हम जी? अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कह दी थी तो क्या गलत कह दिया था, उस पर चर्चा कर चुके हैं। उस गलत नहीं था गरिमा जी, मैंने बिल्कुल गलत की। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इनके समय के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी, ये इनकी उपलब्धियां हैं, मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठ है तो आप मुझे कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए हमारी प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज खुलवाने की कि लोग यहाँ पे लोगों को इलाज मिले, हमारे प्रदेश का बच्चा जो है हमारे प्रदेश के लिए सेवा करे डॉक्टर बन के। इनका था, इनने कहा कितनी मजारे यहाँ खुलेंगी जहाँ पे झाड़ फूक के सारे लोगों का इलाज करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर के इंडस्ट्री आए, यहाँ पे होटल आए, यहाँ पे पर्यटन का तीर्थाटन का स्थल बने। इनकी प्राथमिकता थी शराब की फैक्ट्रियां कैसे खुले। हम कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर सबमिट कराएंगे, हरीश रावत जी कहते थे मैं सर, ठीक है रविंद्र जी, मेरा सवाल है किसी विपक्षी का सवाल नहीं है। रविंद्र जी मेरा सवाल है, आप ठीक है, आप सारी बातें ठीक कह रहे हैं, आप इन्वेस्टर सबमिट करा रहे हैं, लेकिन इन इवेंट्स को लेकर थोड़ी क्वेश्चन मार्क है सर। कौन इवेंट को लेकर कह रहा है ये, तो भाई ये कह रहा है ना कि जो आप MOU साइन करके आए कितने आएंगे, आप इवेंट करते रहिए।
देखिए सुनिए, देखिए आप मेरी बात समझिए, क्या इस उस पे घर में बैठ गए या कटोरिए टाइप के ऐप बना लें जो लोगों को ठगे और 500-600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को मिल जाए और बाकी लोगों की जेब हरी कर जाए। हाँ। या ऐसी इंडस्ट्री चाहिए? देखिए सवाल आप बिल्कुल खड़ा करिएगा भविष्य में। हाँ। लेकिन जिस बच्चे की शादी नहीं है उससे उसके बालक का नाम पूछ रहे, अरे भैया शादी तो हो जाए तो लड़की को ढूंढ ले, शादी हो रही है, ठीक है, आएंगे विपिन जी आते हैं आपके पास, विपिन जी आते हैं। सुभाष जी से एक सवाल है, उसके बाद शीशपाल जी और विपिन जी के पास जाएंगे। सुभाष जी, अभी थपलियाल साहब एक बात कह रहे थे कि भाई जब मैंने कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये जगह दिखाई तो उनका कहना था कि ये वो भूगोल नहीं है जो उनको चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि मंशा ठीक है, लेकिन क्या वाकई में उत्तराखंड डेस्टिनेशन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए ठीक, या अभी बहुत कुछ डेवलप कर रहा है उस लिहाज से उत्तराखंड को उस लायक बनाने के लिए? देखिए पहली बात तो प्राकृतिक तौर पे आप देखें तो बिल्कुल उत्तराखंड में वो सारी संभावनाएं हैं जो एक फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए। हाँ। लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां नहीं है। ये विपक्ष का सवाल उठाना बिल्कुल जायज बात है। ऐसे आज हमारे रविंदर भाई मुझे लगता है कि दीपावली ने भाभी उभी ने कुछ डाटा होगा, आज जो है ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं हमारे रविंदर भाई। अब थोड़ी सी मैं आपके बयान को भी कोट कर देता हूं। जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर जो है फिल्म का हीरो सामने होता है, डायरेक्टर पीछे होता है उसका रियल हीरो, तो वैसे ही लोगों को यह लग रहा है, विपक्ष को यह लग रहा है कि धामी जी सामने के हीरो हैं, पीछे के हीरो कहीं अडानी अंबानी जी तो नहीं है। अच्छा। पीछे के हीरो कोई और तो नहीं है, सवाल यहां उठ रहा है। और ये इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर देना चाहिए कि नहीं भाई साहब, ये हमारी ही सोच है और प्रदेश के सोच के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे कोई दूसरा हीरो डायरेक्टर नहीं है, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हम ही है और हीरो भी हम ही है, ये बात है। अब रविंदर भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है। देखिए आपने कहा कि सब कुछ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अगर फिल्म इंडस्ट्री आती है तो ऐसा नहीं है कि समस्या होगी, लेकिन बात यह कि विपक्षी फिर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं, सुन लेती हूँ। शीशपाल जी देखिए गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के प्रवक्ता ने मेरी बात नहीं सुनी। हम बार बार कहते हैं कि आप होमवर्क करके आया कीजिए, विषय पे बात कीजिए, हम आपकी सारी बात सुनते हैं भाई। लेकिन आपको विषय से बाहर जाके अगर बात करनी है तो उसको फिर कौन सुनेगा। और जब ये डिबेट से गए, इन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की, जब मैं गया मैंने विषय पर बात की। चलिए अब इस बात को खत्म करते हैं, आप दोनों ऐसा नहीं करेंगे, कहीं किसी भी चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपनी बात को रखिए मजबूती के साथ। आज भूल गए, वो भूल गए कि भाई है, लेकिन चलिए छोड़िए। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। देखिए ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष जो है यहाँ पर तब जो है किसी शराब ब्रांड को प्रस्तुत कर रहा था। हम तो पर्वतीय प्रदेश है, हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ माल्टा होता है, हमारे यहाँ सेब होता है, उससे अगर शराब बन सकती है, राज्य की आर्थिकी सुधर सकती है, उसका अगर एक्सपोर्ट हो सकता तो इसमें दिक्कत क्या है भाई। आप तो जो है घर घर बार खोलने में जो है अपना बड़प्पन समझ रहे हैं। ये प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है कि कौन उत्तराखंड की जो गोदा झंगोरा अगर उससे दारू बनती है और उससे राजस्व की प्राप्ति होती है तो इसमें किसी भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन घर घर बार खुल जाए उससे परेशानी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का माल्टा, उत्तराखंड का कोदा झंगोरा या उत्तराखंड की अग्नि कोई फसल अगर यहाँ के आर्थिकी को मजबूत करने के काम आए तो उससे परेशानी है। दूसरा इन्होंने कहा कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, आप तो बड़े हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व के मॉडल की आपकी राज्य में सरकार है, और यहाँ आप देख लीजिए यहाँ मदरसों में जो है हिंदू बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, आप उनको क्यों सरकारी शिक्षा से वंचित कर रहे हैं भाई। आपकी वहां अगर प्राइमरी पाठशाला काम नहीं कर रही है, आपके अगर माध्यमिक एजुकेशन वहां नहीं है, तो आप सोचे ना यहाँ किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार का आप ये हिंदुत्व का मॉडल है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर जो है इनको सांप सूंघेगा और उस पर भी अलग अलग बयान आएंगे। मदरसा बोर्ड के जो है चेयरमैन कुछ कहेंगे, भाजपा के प्रवक्ता कुछ कहेंगे, अगर मैं उस पर बोलूंगा तो फिर डिबेट का विषय दूसरा हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला है, अभी हाल की ही घटना है 4 दिन पहले की, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला
जो है आती है वहां पर, वो पहले बेस में जाती है, जिला में जाती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर के बाद अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आई थी, और वहां पर उसका पति दर दर भटकता है केवल ब्लड की व्यवस्था के लिए, और जो है उसकी ब्लड की व्यवस्था नहीं होती, अंतोगत्वा उस गर्भवती महिला की जो है मौत आ जाती हो जाती है। ठीक है, ठीक है, देखिए वो एक अलग विभाग है, मैं सहमत हूँ, ऐसी घटनाएं आती है। फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, गरिमा जी एक बात, फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, हमने पहले कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, आज नैनी सैनी में जो हवाई पट्टी है आप वहां से नियमित हवाई उड़ाने शुरू नहीं कर रहे, कांग्रेस के विधायक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सवाल इसलिए बैठे हुए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वहां पर जो बीमार हैं गंभीर रूप से उनको समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता। आपने कहा हम एयर जो है एम्बुलेंस शुरू करेंगे, अरे भाई कहां से शुरू करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो होगा, लोग दम तोड़ रहे हैं। आप जो हवाई पट्टी हरीश रावत जी के दौर में बन गई थी, उसका उद्घाटन हो गया था, उसके बाद भी आप वहां से नियमित उड़ाने शुरू नहीं कर पा रहे, तो आप समझ सकते हैं ना ये इनकी कथनी करनी में क्या अंतर है। अगर सवाल खड़े होंगे तो पूछे जाएंगे, भाई आप प्रदेश के माई बाप है, प्रदेश की सरकार में है, बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछने का आपका हक है, लेकिन देखिए मैं ये बात मानती हूं कि कहीं ना कहीं सवाल पूछने के दौरान इस बात भी रखनी चाहिए कि जिस जगह पर आज सामने वाला बैठा है उस जगह पर हम पहले से रह चुके हैं और हमने कितने प्रयास किए हैं और हम किस वक्त पर कौन से सवाल पूछ रहे हैं। मैं मानती हूं कि ये चीज जरूरी होती है। अब शीशपाल जी और लोगों को भी मौका देंगे ना, अब सब टाइम आप ही बोलेंगे, फिर आपने मेरे पे सवाल खड़ा किया ना कि आपने अपने नहीं, मैं विपक्षियों को लेकर कह रही हूँ, अब सवाल मैंने विपक्षियों को लेकर किया, मैं विपक्ष का ही नहीं और भी है, सब विपक्षी बैठे हैं सत्ता में, तो सब बीजेपी ही है। खैर आम आदमी पार्टी से सुन लेते हैं, उसके बाद सुभाष जी के पास जाएंगे। विपिन जी जल्दी से कुछ कह रहे थे आप। विपिन जी मैं अभी थपलियाल जी को सुन रहा था और रविंदर भाई ने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल थपलियाल जी के लिए किया, माफी मांगनी चाहिए क्योंकि थपलियाल जी बहुत अनुभवी और मैं समझता हूँ जितने भी डिबेट में पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और सबसे अनुभवी और सबसे उम्रदराज वो हैं, उनको उत्तराखंड की हर स्थिति का हर परिस्थिति का ज्ञान है और उनका जो कहने का सार था, इतने सीनियर आदमी है कि इस प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को बालक बता रहे हैं, ना समझ बता रहे हैं आप, बता अगर आप भैया आपकी आप सुन सकते हैं, मैं अपने मुख्यमंत्री लेके नहीं सुन सकता, मेरी तरफ से ये अभद्र व्यक्ति है, मुझे ठीक है रविंद्र जी हो गया मैंने उनसे कहा था देखिए किसी की उम्र के लिहाज से किसी के काम को जज नहीं कर किया जा सकता। ठीक है हो गया, अभी वो मुद्दे पे बात मत करिए। हाँ हो क्या जी, उनके कहने का मुख्य उद्देश्य गाली दे रहे हैं आप, इतने रविंद्र जी आज आपको सच में क्या हो गया है, आप देश और विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल मूड जो है भौगोलिक परिस्थिति जो उत्तराखंड ठीक है सर, जल्दी से उन उद्योगपतियों से या फिल्म निर्माताओं से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है। अभी रविंद्र भाई ने कहा कि जी वैसे बच्चे की शादी तो हो जाने दो उसके बाद सवाल कर लेना, तो मेरा तो ये कहना है कि शादी तो पहले हो चुकी, उसका तलाक भी हो चुका है बच्चे का, तभी तो सवाल उठ रहे हैं। ठीक है क्या आज उदाहरण भी खूब आप लेकर आ रहे हैं। ठीक है विपिन जी बस सुभाष जी जल्दी से एक लाइन में वक्त बहुत कम है, सुभाष जी जल्दी से एक लाइन में बस अपना जवाब, आप कुछ कह रहे थे इसलिए मैं आपके पास आई। सुभाष जी आवाज मिल रही है आपको? सबसे बड़ी बात दो बात पर मैं बोल के एक बात बोल के खत्म करता हूं। हाँ सर ब्लब हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी बोलिए। सबसे पहली बात की रविंद्र जी को दो बातों का मैं जवाब दे दूं, एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात पर हरीश रावत जी खंडन कर चुके हैं, जबरदस्ती उनके मुंह में बार बार बात डाली जाती है कि उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, एक बात। दूसरी बात, जो जैसे दक्षिणपंथी होना पाप नहीं है वैसे वामपंथी होना भी पाप नहीं है, वो भी एक विचार है, सेक्युलरवाद भी एक विचार है, कट्टरवाद भी एक विचार है, हिंदुइज्म भी एक विचार है, इसको विचार के तौर पे लेना चाहिए, सबके अपने अपने विचार हैं, एक बात। अब दूसरी बात मैं आता हूं मुद्दे पे। हाँ सर जल्दी से। मुद्दे की बात यह है कि सरकार को चाहिए था कि जब इतने बड़े आइकॉन में कोई प्रोग्राम करने जा रही थी और किसी शादी से पहले एक बार तलाक हो चुका है फिर दोबारी किसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी,
मैं रविंद्र भाई के भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों घर घर वालों का गांव वालों का संदेह होना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले भी यही बात कही थी कि भाई सबको सबको सहमति में लीजिए और कम से कम सबको अवगत तो कराइए। माफी के साथ आप सब आपको यहाँ पर रोक रहे हैं सुभाष जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो निवेश को लेकर सीएम धामी लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन विपक्षी लगातार उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के निवेश से उत्तराखंड में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।